हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आप क्या करेंगे? दो मिनट में पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस को कुछ मत कहना, पुलिस को कुछ नहीं बोलना, ओके? मैं सोच रहा हूँ कहाँ तू, सोचना पड़ेगा। ओ भाई, ओए, ये तो मर चुका है। हेलो पुलिस। मुंबई के कांदीवली में रहने वाला देशमुख परिवार, जिनके घर में खुद मिसेस मोनिका देशमुख की लाश पड़ी थी। डर से मोनिका के पति और बेटी के होशो हवास जवाब दे चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिसेस देशमुख की लाश का क्या करें। दूसरी तरफ अक्सा बीच पर पुलिस को एक लड़के की लाश मिली थी। आज का ये केस ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है, बल्कि अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। ये केस प्रश्न चिन्ह खड़े करता है आज के इंसान की जिंदगी, उसके रिश्तों और समाज के प्रति उसकी सोच पर। बापा, मेरे बेटे की रक्षा करना है। मालूम नहीं कल रात से किधर है। अच्छा, तेरे पास भी नहीं आया? अच्छा, कोई कॉल आया तो मुझे बताना। हाँ, मुझे फोन करना। आई, मैंने भाव के हर दोस्त से मालूम किया, हर जगह देखा, भाव किधर भी नहीं। इससे पहले भाव रात भर कभी घर के बाहर नहीं रहा। सर, लगता है आत्महत्या का केस है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है। और हाँ सर, बॉडी के पास ये पर्स मिला जिसमें आईडी था। लड़के का नाम रोहित बोरकर है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ये पता चलता है कि लड़का लगभग 22 साल का है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। और घर वाले को बोलो बॉडी की पहचान के लिए आए। ओके सर। रश्मि, नॉर्मल बिहेव करो। तुम्हें देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तुम। पापा, नहीं हो रहा है। पापा, मम्मा की लाश घर पर पड़ी है। हर बार ये बात कहना जरूरी है। रश्मि देखो बेटा, अगर तुम नॉर्मल बिहेव नहीं करोगी हम फंस जाएंगे। प्लीज रिलैक्स। साहब, साहब, आप यहाँ काय को लाए मेरे को? मैंने बोला ना, मेरा बेटा है ना, लापता हुआ है, उसकी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ मैं। आप मुझे मुर्दा घर में काय को लेके आए? बता दो। देखकर बताइए, क्या ये आपका ही बेटा है? रोहित, रोहित, ए रोहित, तू जाके खोलो रोहित। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत 10 अगस्त यानी कल शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में हुई है। ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। मेरे रोहित को किसी भी तरह की कोई भी गलत लत नहीं थी। वो तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, क्लास में फर्स्ट आता था, इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रहा था वो। सभी टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। मेरा रोहित मरा नहीं है साहब।
मेरे रोहित को किसी ने मारा है साहब, मेरे रोहित। देखिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता भी नहीं होता और बच्चे नशे। नहीं नहीं साहब, दूसरे बच्चों की तरह नहीं था वो सब चीज आके मुझे बोलता था, और अगर कोई गलत काम करता ना वो, मैं खुद उसे जहर देके मार डालती साहब। तुम ये सब देख नहीं पाओगी, कमरे में जाओ, तुम्हारे जाओ जाओ गो। रश्मि आराम से बैठा, हाँ आ जाओ आ जाओ, नहीं साहब, रोहित बस्ती में बाकी के लड़कों के जैसा मवालगिरी नहीं करता था। साहब सुलोचना ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसे रोहित जैसा बेटा भगवान ने दिया। ऐसा तो अच्छा था साहब, पर ये लोग कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाहर क्या करते हैं अपने माहित नहीं साहब। वो अपने आई को और भाई को एकदम अच्छी तरह से संभालता था। सर बस्ती में जिन जिन लोगों से पूछताछ की, उन सभी का यही कहना है कि रोहित नेक शरीफ लड़का था, अपनी माँ का घर का सबका ख्याल रखता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि रोहित ड्रग एडिक्ट था। तो हो सकता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल का मामला, पॉसिबल है कि किसी ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिया हो और बाद में समुद्र में फेंक दिया बॉडी हमें गुमराह करने के लिए, हो सकता है। पुलिस को कुछ मत कहना। फोन तो बज रहा था, फिर कोई उठा क्यों नहीं रहा है? Ah!
वही नहीं, रोहित का सुन के तो बहुत दर्द हुआ मेरे को, लेकिन क्या करे वही नहीं, सुख दुख तो जिंदगी में आते ही रहते और जिंदगी के तो आगे चढ़ना ही। ये तेरा लायक बेटा तो मर गया और मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो तुम्हारा 2 लाख का उधारी बाकी है, वो कैसे चुकाएंगे तुम? एक काम करो वही नहीं, ये जो खोली है ना ये मेरे को बेच दो और गांव चले जा, समझी? गांव। तू नहीं मारा मेरे बेटे को, ये खोली तेरे को चाहिए इसलिए तू नहीं मारा ना मेरे बेटे को। वो तके की औरत, अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई के दोस्त सब बोल रहे तो ऊपर से मेरे को चाटा मारती तू, अरे तेरा बेटा मर गया तेरे को जिंदा रहने। सेवा करने का बहुत जज्बा है ना तेरे में, चल देखते। अरे सब क्या रहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया सब, अरे मेरे को मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया सब। 10 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तू कहाँ था? रात को 8 बजे तक मैं मेरे किराना की दुकान में ही था, उसके बाद दुकान बंद करके घर पे चला गया, घर से बाहर नहीं निकला, लगा तो आप मेरी बेटी और मेरी बीबी से भी पूछ सकते हो साहब। तेरी बीबी और तेरी बेटी तुझे बचाने के लिए झूठी बोलेंगी? नहीं सर। तेरे पास और कोई गवाह है? नहीं सर, मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं है। रश्मि क्या हुआ? पापा, मम्मी अभी तक यही पे। यहाँ देखो, यहाँ कोई नहीं है। बेटा तुम्हें वहम हो रहा है, देखो कोई है? देखो, कूल डाउन सर। दत्ता बोरकर के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त रोहित का कत्ल हुआ उस वक्त वो घर पर ही था। मतलब ये तो साबित हो गया कि उसने खून नहीं किया है, लेकिन उसका हाथ है या नहीं ये साबित होना बाकी है। शिंदे एक काम करो, तुम रोहित के काका की जड़ें खोदो और तब तक मैं रोहित के बारे में पता करता हूँ। ओके सर।
नाटक है ये लोगों का। कंटाल गई मैं तो, कोई दरवाजा भी खोलता नहीं, पगार के टाइम बोलेंगे काम पे नहीं आई। दत्ता बोरकर के साथ क्या झगड़ा है आपका? साहब एक नंबर का लिचड़ मानुस है तो, मेरे बेटे को भी उसी ने मारा। मैं बोलती ना, उसको मालूम था ना मेरा ये वही सहारा है। ये दत्ता मेरे को जब भी तंग करने आता, मेरे को बोलता ना तो रोहित उसको बराबर करता। दोनों में बहुत बार झगड़ा भी हुआ था। तलिक तू मेरे साथ भाईगिरी कर। अरे यार तुम्हारे बाप का उम्र का क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे बच्चा है ना, बच्चे की तरह रहो। बाप हूँ मैं साला, ऐसे अखंड ऐसे निकालूंगा। आपके बेटे के बॉडी से नशीली दवा मिली जिससे उसकी मौत हुई। क्या आप जानते हैं दत्ता का कुछ ड्रग्स से लेना देना हो, मतलब वो कुछ खरीदता हो बेचता हो ऐसा कुछ? हाँ साहब, दत्ता काका का एक दोस्त रहता है इधर, ड्रग्स का धंधा करता है वो, रहमान नाम है उसका। वो तो बहुत अच्छा लड़का था सर, मेहनती था, टीचर्स का भी फेवरेट था, और पढ़ाकू बच्चा बुलाते थे हम लोग उसको। नहीं सर, कॉलेज में तो उसका किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सर वो कोई पार्ट टाइम जॉब करता था जिसके उसको बहुत पैसे मिलते थे। कौन सा जॉब कर रहा था? कभी बताया नहीं उसने, बोलता था कि इतने मिलते हैं जितने इंजीनियर को भी नहीं मिलते होंगे। ये पार्ट टाइम जॉब वो कब से कर रहा था? 3 महीना। ड्रग्स वगैरह लेता था? नो सर। ले भाई एकदम कड़क माल है, कड़क नोट ला और कड़क माल ले जा। क्यों कम है भाई? हर बार तेरे को बताना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी तू कम दिया था। चुकता करना वरना माल दूंगा नहीं फिर से। हाँ सुनो ना रेमन भाई, वो पुलिस मेरे तक आ पहुंचे। तू टेंशन मत ले, मैं बैठा है ना, ये पुलिस है ना वो अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सब हो रहा रेमन, पुलिस अपना क्या उखाड़ेगी, कुछ नहीं। चल तुझे नशे की ऐसी गोली खिलाता हूँ ना जिसमें आदमी को पूछने की नहीं जरूरत पड़ती, खुद ब खुद सब सच उगल देता है। चल गहरा साहब, साहब मैंने बोला ना पैसा नहीं है, आप चाहे तो मेरा बैंक अकाउंट भी चेक कर लो। साहब 5 घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाती मैं, ये जीतू तो अभी गैराज में काम सीख रहा है, इसको तो उतना पैसा भी नहीं मिलता। रोहित भी ट्यूशन लेके सिर्फ 3,000 रुपये कमाता था, अब इतने से पैसे में मैं क्या पैसे बचाऊंगी और कहाँ छुपा के रखूंगी? कुछ मिला? नहीं सर, घर में ड्रग्स या पैसा कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला? नहीं सर। ये रोहित ट्यूशन कहाँ पढ़ाता था? साहब मैंने रोहित को नहीं मारा और ना ही मैंने रहमान को बोला था उसको मारने के लिए। 10 तारीख को मैं रहमान से मिला भी नहीं था साहब, ये तो हमारे बस्ती में रहता है इसलिए सिर्फ जान पहचान है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं साहब। नहीं 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 साहब, मैं काय को मारेगा, मैंने नहीं मारा। ऊपर से उसका बाप तो मेरा दोस्त था, मेरे को तकलीफ में मदद किया ला वो, मैंने नहीं मारा साहब। मैं अपने दोस्त के बेटे को काय को मारेगा साहब? सर ये रहमान का कॉल रिकॉर्ड है। रोहित की मौत के बारे में सुनकर हमें भी बहुत बुरा लगा सर, पर सर हमारी और उसकी इतनी जान पहचान थी कि वो हमारी बेटी रश्मि को फिजिक्स की ट्यूशन देने के लिए आया करता था, लेकिन 2-3 महीने से उसने ये ट्यूशन भी छोड़ दी। ट्यूशन छोड़ने की कोई खास वजह बताई थी? हाँ उसका कहना था कि
इस ट्यूशन की वजह से वो अपनी खुद की पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाता है। आपकी बेटी रश्मिका है? वो सो रही है, आप कहो तो उठा दूं उसे मैं। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। ये ना मेरी बेटी रश्मि और वो मेरी वाइफ है मोनिका, अभी शॉपिंग को गई है। ठीक है। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तू तो कह रहा था कि रोहित के बाप के मरने के बाद रोहित के घर वालों से तेरी ज्यादा जान पहचान है नहीं। फिर रोहित की माँ तेरे सुलोचना के मोबाइल पर दिन में 10 बार क्यों फोन करता था? नहीं बताएगा? मैं बताता, क्योंकि सुलोचना के साथ तेरा चक्कर चल रहा था और ये बात रोहित को पता चल गई, जिसकी वजह से उसने तेरे साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर तूने रोहित की जान ले ली है ना। चलो अपने रूम में चलो। पापा वो लोग हमें पकड़ने को आए थे ना, देख लेना वो लोग हमें पकड़ के लेके जाएंगे और उनको ना मम्मी की बॉडी में मिल जाएगी। रश्मि तसा काई होनार नहीं है, देख वो मेरे क्लिनिक के काम से आए थे, तुम आराम करो। पापा पापा वो हमें पकड़ने के लिए ही आए थे और वो ना फिर से हमें पकड़ने के लिए आएंगे और हमें पापा हमें ना पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं उन्हें अभी सब बता देती हूँ। नहीं रश्मि ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फोन मुझे दो, फोन लगाया, फोन दो मुझे। पापा, पापा, मैंने कहा ना फोन दो मुझे। रहमान सच बोल रहा है साहब, मेरे पति का सबसे नजदीकी दोस्त था वो। मेरे पति की मौत के बाद उसी ने मेरे को सहारा दिया। मेरे को कोई भी मदद चाहिए होती है तो सलाह चाहिए होती ना तो वही करता था साहब। औरत के बारे में कोई नहीं सोचता साहब, मेरी भी कुछ जरूरतें थी, रहमान समझता था मुझे। हम एक दूसरे से पर इस बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था, मेरे बच्चों को भी नहीं। और अगर मेरे बच्चों को मालूम भी पड़ता तो जीतू बहुत भड़कता, लेकिन रोहित नहीं। रोहित मुझे समझता, ये रहमान है ना मेरे बच्चों को बिल्कुल बाप की तरह चाहता है, वो ऐसा नुकसान नहीं करेगा मेरे बच्चों को। बहुत भरोसा है आपको रहमान के ऊपर? साहब मेरे रोहित को रहमान नहीं मार सकता, बिल्कुल बिल्कुल बाप की तरह चाहता था उसको। सर रहमान को हमने ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब तक जितनी भी इंक्वायरी हुई है उसमें रहमान और दत्ता के खिलाफ हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि रोहित का कत्ल उन्होंने ही किया है। शिंदे, रोहित के दोस्तों के मुताबिक वो पार्ट टाइम जॉब करके इतना पैसा कमा रहा था कि उसने ट्यूशन करना भी छोड़ दिया। पार्ट टाइम जॉब करता था जिसके उसको बहुत पैसे मिलते थे। ये रोहित ऐसा कौन सा पैसा कमाने वाला जॉब करता था जिसके बारे में ना तो उसका परिवार जानता है और ना ही उसका दोस्त? एक काम करो शिंदे, इसके पिछले 3 महीने की बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और हर फोन चेक करो जिसपे उसकी बात होती थी। हो सकता है उसने पैसा किसी और के पास रखा हो और यही वजह उसके कत्ल की भी हो। आई आई थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा सा खा ले, तूने कुछ नहीं खाया है? मैंने कहा ना एक बार मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना मुझे। आई सोच अगर अगर भाभू तेरे को देख रहा होगा कि तू खाली पेट बैठी है तो बता कितना बुरा लग रहा होगा उसको, है ना? मुझे अकेले छोड़ के गया, उसका कुछ नहीं लगा उसको। आज एक बात तो पता चल गई, अगर मैं मरा होता ना और भाभू तेरे को पोहा खिलाता तो फट से खा लेती। क्या बोला तू? वापस ऐसे बोलने का नहीं है हेलो एमके फर्टिलिटी क्लिनिक। फर्टिलिटी क्लिनिक?
राउत जरा आजूबाजूला चौकशी करा. यस सर. तोपर्यंत मी बघतो. सर मैंने आपको फोन किया, सुबह कचरा साफ करा तभी ये मिला साहब. सर हमने आसपास में पूछताछ की, ये थैली किसने फेंकी पता नहीं. राहुल ये बॉडी का लगभग 20% ही हिस्सा है. इसका मतलब है ऐसी एक नहीं ऐसी और भी थैलियां रहेगी और शहर के अन्य हिस्सों में भी फेंका गया होगा. हमें उन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा. हाँ सर, रोहित हमारा रेगुलर स्पर्म डोनर था. वो न्यूज़पेपर में हमारा ऐड देख के यहाँ आया था और स्पर्म डोनेशन के लिए पर सेशन हम उसे 25,000 रुपये देते थे. कब से कर रही है? पिछले 3 महीने से. हर वेनसडे वो यहाँ आता था. अब मैं आपको उसके रिकॉर्ड्स दिखाती हूँ. जी ये रहे. मतलब पिछले 3 महीने में कम से कम 3 लाख रुपये कमाया उसने. जी हाँ. 10 अगस्त को वेडनेसडे था, उस दिन आया था वो यहाँ. अगर आया होगा तो रिकॉर्ड्स में होगा. यस सर, शाम को 5 बजे आया था और 5:30 बजे चला गया था. ये उसके उस दिन की पेमेंट की रिसीप्ट है. डॉक्टर आपके यहाँ जितने भी स्पर्म डोनर्स आते हैं उनका मेडिकल टेस्ट तो होता होगा? जी हाँ. रोहित के मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ भी निकला जिससे लगे कि वो ड्रग एडिक्ट है? नहीं इंस्पेक्टर, रोहित किसी भी तरह के ड्रग्स नहीं लेता था. रोहित ने अपने पार्ट टाइम जॉब से 3 महीने में 3 लाख रुपए कमाए थे जिसके बारे में उसके परिवार तक को पता नहीं था. कहाँ थे ये पैसे? कहीं यही कारण तो नहीं था रोहित की मौत का? और वो लाश जो शहर की अलग अलग जगहों पर मिली थी उसकी पहचान भी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी. क्या वाकई में रोहित और इस औरत के केस में कोई संबंध था या फिर ये 2 अलग अलग अपराध और अपराधी की कहानी थी? सारे टुकड़े मिलाकर भी हमारे पास डेड बॉडी का सिर्फ 90% है और सर और गर्दन भी नहीं है. जब तक वो नहीं मिलते तब तक हम उसकी मौत की सही वजह नहीं बता सकते. सर वैसे उस औरत की उम्र लगभग 40 से 45 साल की होगी और शरीर के टुकड़े मौत के बाद में किए गए और उसकी मौत 10 अगस्त को शाम 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में हुई. सर ताज्जुब की बात यह है कि रोहित और उस औरत का कत्ल एक ही तारीख को हुआ है और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है. एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था. शिंदे एक काम करो, रोहित के दोस्त भावेश को फिर से उठाओ, पूछताछ करो, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि रोहित के पास इतने पैसे हैं. हो सकता है इसी पैसे की लालच में उसने ड्रग दे के मार दिया हो. ठीक है सर. तावड़े सर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो 40-45 साल की किसी भी महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या. ओके सर. एक लड़के को ड्रग्स की ओवरडोज देकर समंदर में फेंक दिया गया था और दूसरी तरफ थी एक 40 वर्षीय औरत जिसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया गया था और जिसकी पहचान से पुलिस अब तक अनजान थी. इन दोनों केसेस में सिवाय तारीख और समय के और कोई समानता नहीं थी और पुलिस भी इन दोनों मामलों को अलग अलग ही मान रही थी और ऐसे सबूत भी नहीं थे जो इन दोनों केसेस के तार को जोड़ते हों. हेलो विलास बेटा, मोनिका ची आई बोलती है. हाय बोला ना. मोनिका मेरा फोन ही नहीं उठा रही है. फिर से नाराज हो गई है क्या? नहीं है ऐसा कहीं नहीं है. एक्चुअली वो अपने ग्रुप के साथ बाहर गाँव गई है. आपका क्या, मेरा भी फोन नहीं उठा रही है. वो जैसे ही वापस आती है ना मैं उसकी आपसे बात करवाता हूँ. हाँ हमें पता है कि तू ड्रग्स लेता है. पैसे के लालच में ड्रग्स देकर तूने ही रोहित को मारा है ना? सर मैं मानता हूँ मैं ड्रग्स लेता हूँ पर मैंने रोहित को नहीं मारा सर. आई शपथ. वो लड़की की वजह से मरा होगा जो उसे परेशान कर रही थी. बोल रही थी कि प्यार करती हूँ.
कौन सी लड़की? सर उसका नाम तो नहीं पता, पर बोल रहा था कि परेशान कर रही है, प्यार करती हूँ बोल के। सर सर उस औरत की पहचान के लिए अब तक कोई नहीं आया है, ना किसी पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग कंप्लेंट का मैच है। नहीं साहब, रोहित ने कभी किसी लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जिस लड़की के बारे में पता था ना, बोल कौन है वो? हाँ साहब, मुझे पता था। मैं आई को बोलने वाला था, पर भाऊ ने मना किया था कि आई को मत बता, वो खामखा टेंशन लेगी और डर जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब कुछ कर रहा है, तो मैंने नहीं बताया। मतलब रोहित का अफेयर था उसके साथ? हाँ, कब से जानता है तू? अफेयर तो नहीं बोल सकता साहब, क्योंकि मैंने मतलब एक दिन देखा था। मैं शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा टीचर था और तुम क्या बोल रही हो? ये प्यार की रत वगैरह बहुत बार कहा तुम्हें, मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता। सब ये बात 2 महीने पहले की है, और वो लड़की वही थी जिसको भाव ट्यूशन पढ़ाता था। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? अपने काम से काम रखो, फिर दिखना मत यहाँ पे, समझे? इंस्पेक्टर, मैं रश्मि को बुला देता, लेकिन उसकी तबीयत जरा खराब है। तबीयत खराब है या झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ मैं नहीं, वो बोल रहे हैं। मेरी बेटी रोहित के पीछे नहीं पड़ी थी, रोहित उसके पीछे पड़ा था। उसे पढ़ाने के बहाने यहां आके जब उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, तो मैं उसे भगा दिया। शिंदे, इन दोनों में से कोई ना कोई जो झूठ बोल रहा है, डॉक्टर देशमुख या जीतू, और हो सकता है यही झूठ रोहित की मौत का कारण भी हो। एक काम करो, डॉक्टर देशमुख की फैमिली में 3 लोग हैं, 3 के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और रोहित के कॉल रिकॉर्ड से मैच करो। ओके सर। मैं कुछ दिन रखना अपने पास, समझने की कोशिश कर, घर में बहुत लोचा है, मैं आकर लेता हूँ। किससे बात कर रहा था? नहीं, किसी से नहीं। तो फिर मेरे को देख के फोन काहे को कट किया? तेरे को देख के थोड़े काटा ही, बात पूरी होगी मैंने काट दिया। पापा, पापा प्लीज, आई डोंट वांट टू गो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस थोड़े दिनों की बात है, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक। जैसे यहाँ मामला ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, ठीक है? पापा, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आप भी चलिए ना। रश्मि, हट्ट करू नकोस, ऑलरेडी यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रश्मि दिन में कम से कम 20 बार तो रोहित को फोन किया ही करती थी। रोहित कभी कभार ही उसे जवाब देता था। और एक बात सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोहित की एक प्रोफाइल मिली, जिसके बारे में उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था। उसी प्रोफाइल पर रश्मि ने कई सारे मैसेज भी भेजे थे और रोहित को जवाब देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए फोर्स भी किया था। उसी प्रोफाइल पर सर रश्मि ने अपने न्यूड फोटोज भी भेजे थे और यहाँ तक धमकी भी दी थी रोहित को कि अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो या तो वो खुद मरेगी या उसे मार डालेगी। इसका मतलब है कि जीतू सच कह रहा था कि रश्मि उसे परेशान कर रही थी। परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये तो वही बताएगी हमें। ऐसा क्यों कर रहा है तू? हाँ, तेरे को समझाया ना मैंने, देख तेरे भरोसा किया है मैंने, तू छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं बोल रहा हूँ। तू यार आई आई सर, आप डॉक्टर विलास, आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। ये उस FIR की कॉपी है जो आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में करवाई थी। मेरी बेटी रश्मि और बीवी मोनिका सुबह से गायब है सर। गायब है या गायब कर दिया तुमने? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर, मोनिका और रश्मि के लास्ट मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उनका फोन घर पर ही स्विच ऑफ हुआ सर। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फोन पर हमेशा एक्टिव रहने वाली मोनिका के मोबाइल से 10 तारीख के बाद ना कोई फोन आया है ना कोई फोन गया है। जबकि हम जितनी बार डॉक्टर विलास के घर पे गए हैं,
मोनिका हमें कभी नहीं दिखी। मेरी बेटी रश्मि और वो मेरी वाइफ है मोनिका, अभी शॉपिंग को गई है और उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन घर का दिखा रहा है। ये देखिए, शिंदे तुमने मोनिका की अलमारी देखी? ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से किसी ने छुआ भी नहीं है उसे। अगर वो आज सुबह गायब हुई है तो उसका कोई सामान तो मिलना चाहिए घर में बिखरा हुआ। सर और दोनों माँ बेटी ने अपना फोन भी कबड़ में ही छोड़ दिया था। ये डॉक्टर देशमुख बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा है, इसे थोड़ी नहीं बहुत जानकारी निकालनी पड़ेगी। वो पहले दिन 10 तारीख को रात को मैंने मेम साहब के नंबर पे फोन किया, फोन बजा लेकिन किसी ने उठाया नहीं साहब। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने मेम साहब के दरवाजे के बाहर से फोन किया, तब भी फोन बजा साहब लेकिन फोन की घंटी का आवाज ही नहीं सुनाई दिया। वो हमेशा से ऐसे ही करती आई है, जरा जरा सी बात पे नाराज होती है पर कई कई दिनों तक बात नहीं करती। इसलिए मैंने विलास को फोन किया था तो विलास ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई है इसलिए फोन नहीं उठा रही। डॉक्टर विलास को कब फोन किया था आपने? 13 तारीख को। इसके पहले कि हम तुम्हें डॉक्टर से मरीज बनाए, सच बोल क्या किया तुमने अपनी बीबी और बेटी के साथ? हर रोज तू उसे 2-3 बार फोन करता था ना, फिर 10 अगस्त से फोन करना क्यों बंद कर दिया? तुझे पता था वो फोन नहीं उठाएगी और 11 अगस्त के बाद ना तू क्लिनिक गया और ना तेरी बेटी कॉलेज। क्यों रश्मि देशमुख का पता चल गया है, वो पुणे में थी, अपने एक कॉलेज की फ्रेंड है उसके घर पर। सर रश्मि कन्फेस करना चाहती है। मेरा झगड़ा हुआ था मम्मा से रोहित की वजह से। क्या की बात कर रही है लड़की, इसको तो कुछ समझ में, आपको शर्म नहीं आती है क्या? अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही हो आप, आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रोहित मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस उम्र में भी आप चक्कर चला रही है। रश्मि? क्या रश्मि, इनको तो शर्म आती है नहीं, आपको भी शर्म नहीं आ रही है क्या? आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ और आपने इन्हें समझाने के बजाय रोहित को ट्यूशन पढ़ाने से निकाल दिया। रश्मि तुम अभी गुस्से में हो, तुम समझ नहीं पा रही, मुझे हाथ बताओ। मम्मा मर चुकी थी, पापा ने उनके टुकड़े किए और अलग अलग जगह फेंक दिए। रोहित के साथ क्या हुआ था? मतलब किसने मारा उसे? रोहित को किसने मारा? रोहित को क्यों मारा? रोहित साहब मेरे को ये बैग 10 अगस्त को रोहित भाव के बैग के नीचे मिला था। इतना सारा पैसा देखकर मेरे को लगा भाव पढ़ाई लिखाई छोड़कर ज़रूर कोई गलत काम में पड़ गया है। आई को दुख ना हो इसलिए मैंने ये बैग अपने एक दोस्त के इधर रखवा दिया। साहब मेरे को लगा ही नहीं इतना सारा पैसा इतनी जल्दी भाव सीधे तरीके से कमाई होएगा। हमें ये तो पता है कि तूने मोनिका के साथ क्या किया था, अब ये बता कि रोहित के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि तुझे पता था कि तेरी बेटी उसके प्यार में पागल है और तेरी वाइफ
ऑलरेडी अफेयर में है। ये देख, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें डॉक्टर शीतल का नंबर है और तेरी उससे बात होती थी। रोहित स्पर्म डोनेशन के लिए डॉक्टर शीतल के पास जाता था। अब बता, क्या कनेक्शन है सब में? इतनी सेवा काफी है कि और भी करे? रोहित, पेपर में कोई एड देखकर नहीं आया था, बल्कि डॉक्टर विलास के कहने पर मैंने उसे ऑफर देकर फंसाया था। और इसने भी ये कंफर्म किया है कि 10 तारीख को तुमने इसे छुट्टी दी थी और तुम्हारे अलावा क्लिनिक में कोई नहीं था। सर, मुझे लगा कि रोहित पैसे के लिए मेरी बीवी से प्यार का नाटक कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर उसके पैसे का इंतजाम मैं बाहर के बाहर कर दूं तो शायद वो मेरी बीवी को छोड़ दे। लेकिन स्पर्म डोनेशन से अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी उसने मोनिका से रिश्ता बनाए रखा। फिर उस दिन डॉक्टर शीतल से मेरी फाइनल डील हुई। मैंने उस काम के उसे 25 लाख रुपये दिए। कुछ नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर है। He's dead. अब इसकी बॉडी का क्या करें? और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया। अब रोने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर, तुमने अपने प्रोफेशन और नॉलेज का उल्टा फायदा उठाया। आपके एक गलत कदम का परिणाम सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ी कई और जिंदगियों को भी भुगतना पड़ सकता है, जैसे इस केस में भुगतना पड़ा रोहित, रश्मि, मोनिका, डॉक्टर विलास और डॉक्टर शीतल को। डॉक्टर विलास देशमुख को रोहित के कत्ल और मोनिका के कत्ल में सबूत मिटाने के लिए और डॉक्टर शीतल को रोहित के कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में सजा हुई और साथ ही रश्मि को मोनिका के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जिंदगी जीने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम रिश्तों की मर्यादा को ना भूलें, क्योंकि ये कब हमारे संसार को नष्ट कर देंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।